नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में आत्मनिर्भर भारत के। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये बीमारी है डक कॉलेरा। ये क्लिप मेरे एक दोस्त ने भेजा है और उसके फार्म में ये बीमारी आई हुई है, तो मैंने बताया कि आप इसकी वैक्सीन करवा लें। और वैक्सीन कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी बीमारी आपके फार्म में आएगी या फिर सुबह सुबह कहता सुंदर रखा होते हैं, तो आप इससे पहले कि आप बच्चों में जो वैक्सीन होती है, दो तरह की वैक्सीन होती है, तो ही बीमारी है प्राय जो देखी जाती है, एक डक प्लेग और एक डक कॉलेरा। तो आप ये दोनों की वैक्सीन करवा लें तो आपको इन बीमारियों से समझ लीजिए मुक्ति मिल जाएगी और आपका फार्म सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये सब बीमारी ज़्यादातर वेस्ट बंगाल साइड में देखी जाती है। अपने झारखंड में अभी तक तो खासकर मेरे फार्म में तो ऐसी कोई बीमारी अभी तक दिखी नहीं। मैंने फिर भी सारे अपने बतखों को वैक्सीन करवा ली है। कुछ बतख मेरे छूटे हुए हैं, इसकी वैक्सीन हमको करवानी है। और इसी के लिए मेरे ये जो मित्र हैं ये आ रहे हैं वेस्ट बंगाल से, बहुत जानकारी है इसके बारे में और इनकी बीमारियों के बारे में और इनकी वैक्सीन के बारे में। एक्चुअली हम लोग के झारखंड में अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत जगह पता किया, सरकारी अस्पताल से, वैटरनरी डॉक्टर से, लेकिन कोई वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलता है कि हम लोग के अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कलकत्ता या फिर कहीं और से संपर्क करके मंगा लीजिए। तो मेरे यही मित्र हैं जिसने वेस्ट बंगाल से मेरे लिए वैक्सीन मंगाई और मेरे जो वीडियो बीमारी है वो मेरे एक मित्र के फार्म में है और उसके लिए भी मैंने वैक्सीन मंगवाई। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। तो वैक्सीन को आप जब भी मंगवाएं तो उसको आप फ्रीज में डाल के रख लीजिए और कभी भी उसको लाने के समय में भी आप बर्फ डाल के ही लेके आइए, क्योंकि वैक्सीन को हमेशा 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में ही रखा जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम वैक्सीन को रखेंगे तो फिर वैक्सीन काम नहीं करेगा। तो ये वैक्सीन अभी कैसे तैयार होता है और कैसे मैं अपने कुछ बतखों को, जो मेरे बतख छूटे हुए हैं जिसमें वैक्सीन नहीं कराया है, तो उसको वैक्सीन कराएंगे और ये एक जो सीसी है वैक्सीन की, एक्चुअली इसकी दाम बहुत कम है मार्केट में, वैसे कोई विशेष दाम नहीं है, लेकिन इसकी जो है उपलब्धता कम होने के कारण अगर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको काफ़ी महंगे में ख़रीदनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं है फिर भी, लेकिन आप वैक्सीन ज़रूर करवा लें। ये वैक्सीन देखिए डॉग कॉलेरा की वैक्सीन है जो मैंने वेस्ट बंगाल से मंगाई है और मेरे कुछ बतख जो मैंने किया नहीं हो, आज मैं उसको वैक्सीन भी करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा भी कि वैक्सीन को आप कैसे करें और किस समय पे करें। तो वैक्सीन करने का सबसे जो समय, सबसे परफेक्ट समय है वो है सुबह के समय, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम होता है और आप सुबह जितना जल्दी हो सके वैक्सीन करवा लीजिए अपने बतखों को और इस बीमारी से आप भी निजात पा सकते हैं। और पहला बात है कि एक वैक्सीन जो आपका 25 दिन में और एक 3 महीना में लगता है और बाकी रिपीट आप उसको 6 महीना के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि वैक्सीन को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे डॉक्टर से बात हुआ है जो बताते हैं कि आप 6 महीना के बाद दोबारा वैक्सीन डक कॉलेरा का कर लें तो बढ़िया है। तो दोस्तों, मैंने तो ऐसे एक्चुअली अपने बतखों को वैक्सीन करके रखा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ बतखें हैं जो मैंने कहीं बाहर से लाए थी, तो उस बतखों में मैंने अभी वैक्सीन किया नहीं। अगला तो बोला था वैक्सीन किया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उनके वैक्सीन फिर से करवा लूँगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फार्म में ऐसी कोई बीमारी आ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कोई बीमारी, जो ऐसी बड़ी बीमारी होती है डक प्लेग और डक कॉलेरा, तो ये सब बीमारी आपके फार्म पे आए। तो दोस्तों देखिए, ये
सुबह का समय है और सुबह का समय में ही आप वैक्सीन करा लीजिए। और ये देखिए डॉक्टर साहब वैक्सीन को तैयार कैसे कर रहे हैं, ये पहले ये एक टाइम वीडियो करवाएं। वैक्सीन को इसमें मिला के, ये डिस्टिल वाटर है इसमें अच्छी तरह मिला के फिर पर बर्थ में एक एंगल करके ये दे दिया जाएगा। और देखिए काफ़ी हेल्दी बतख है मेरे, मेरे कोई बीमारी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने जो भी बीमारी अपना सारी बीमारी का इलाज बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर हैं मेरे उनके मुझे रहता है कोई भी बीमारी है महसूस किया हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि मैंने लॉकबंदी के समय देखी थी, तो उसमें बहुत सारे मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ नहीं अवेलेबल थी, तो उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा से मैंने अपने बदकों को बहुत सारे बीमारियों को मैंने ठीक किया है। जैसे कि आप लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, ये सब भी दे के आप बीच बीच में एंटीबायोटिक का काम करता है, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक मज़ेदार बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बार की बात थी कि जब मेरे बत्तख काफ़ी सुस्त हो गए थे और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात किया था कि ये सब इतने सुस्त सुस्त क्यों हो रहे हैं, और एक प्रॉब्लम था कि मतलब काफ़ी दूर चलते थे फिर एक मेरे बतख में कुछ बतख में मॉर्लिटी आने शुरू हो जाती थी। तो फिर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने बात किया तो वो उसने बताया कि एक ऐसी दवा जो झारखंड में तो आराम से मिल जाता है, बाकी शहरों में भी आराम से या गांव में भी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ दवा हुआ कुछ भी बंद हो जाएगा ना, दारू बंद नहीं होता है। हाँ, हमारा कहने का मतलब है महुआ का जो दारू होता है ना, वही जैसे बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं ना, वैसे मैंने सब बच्चों को पिलाया था और काफ़ी अच्छे रिकवर कर गए थे। और इस वीडियो में आप छोटे क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये तुलसी का पौधा रखा हुआ और ये बतख देखिए इस तुलसी के पौधे को खाएगी। और ये पौधा मैं हमेशा बहुत सारे तुलसी के पौधा लगा के रखा हूँ अपने फार्म में, इसलिए कि ये जो है ना बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और ये पौधा जब लोग सारे पत्ते खा लेते हैं तो फिर मैं इसको साइड